हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं हूँ लवासा के एक बहुत ही सुंदर रिसोर्ट में, जिसका नाम है एकांत द रिट्रीट। इस रिसोर्ट का लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिक है, बहुत सुंदर व्यूज यहाँ से मिलते हैं। तो हम इस रिसोर्ट का टूर करेंगे, उससे पहले उसका एक झलक आप देख लो। Then why is it so precious? Oh, I'll save memories in my head, like Polaroids on walls. इस रिसोर्ट का लोकेशन एकदम ही बेहतरीन है, अफलातून लोकेशन है इस रिसोर्ट का। उसके इस साइड में आपको लवासा लेक दिखेगा, लवासा सिटी दिखेगा, और उस साइड से अगर आप देखोगे तो वरसगांव डैम का बैक वाटर्स भी दिखेगा। तो चलिए करते हैं इस रिसोर्ट का एक टूर। तो चलिए दोस्तों, अब इस रिसोर्ट का एक डिटेल टूर हम लेते हैं। यहाँ पे रिसोर्ट का रिसेप्शन है और इस रिसेप्शन लॉबी से भी काफ़ी अच्छा व्यू हमें दिखता है। इधर रिसेप्शन से ऊपर आने के बाद अब इधर एक यहाँ कॉन्फ्रेंस रूम भी है। यहाँ स्टेयरकेस से ऊपर हमारा रूम था और सामने कैफेटेरिया है, व्यंजन। तो हमारा रूम ये फर्स्ट फ्लोर पे है और एक बार मैं आपको रूम का टूर दे देता हूँ। सो इट्स वेरी नाइस रूम, नीट एंड क्लीन। Bathroom is little small but it's clean, nice. It's a smart TV. और इस रिसोर्ट का की पॉइंट जो है ये व्यू देखो दोस्तों। तो इस साइड में अभी काफी बादल है, तो बादलों की वजह से आपको नहीं दिख रहा होगा, बट यहाँ पे वरसगांव डैम का ये बैकवाटर्स है एंड नीचे इधर लवासा सिटी का ये व्यू है। और मौसम बहुत ही मस्त है, बारिश आ रहा है पूरा। और ये जो सामने जो रूम या स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पूरा ग्लास का डोर है इसको। दिस इज द कैफेटेरिया ऑफ दिस रिसोर्ट। तो सामने इस साइड में तो बैकवाटर्स है, बट अभी क्लियर नहीं दिख रहा है। वेदर जब क्लियर हो जाएगा तो मैं आपको बताता हूँ। बट ये रिसोर्ट का ओवरऑल लोकेशन बहुत ही बढ़िया है। तो मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा हूँ कि बारिश रुक जाए, व्यू क्लियर हो जाए और मैं आपको अच्छे से व्यू दिखाऊँ, बट बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। कंटिन्यू इट्स रेनिंग। देखो पूरा व्यू कुछ भी नहीं दिख रहा है एंड इट्स कंटिन्यू रेनिंग टुडे। पुणे में वैसे आज अलर्ट भी था हाई रेन्स का, लेकिन हमने बुक कर दिया था तो हम लोग आ गए। लेकिन हाँ, इस रिसोर्ट में आने का मजा तो मानसून में ही है दोस्तों। तो मानसून का यहाँ पे डेफिनेटली मजा लिया जा सकता है। हिल के टॉप पे रिसोर्ट है, यहाँ से पूरा नीचे लवासा सिटी का व्यू दिखेगा, हिल्स और ये पूरा बैकवाटर दिखेगा। तो अभी नहीं दिख रहा है, बट आप आओगे तो यू विल डेफिनेटली एंजॉय। इट्स वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्ट नियर पुणे और इसका नाम जो है एकांत। यहाँ पे डेफिनेटली आपको आइसोलेटेड और एकांत जैसा फील होगा। इट्स वेरी नाइस रिसोर्ट, फूड है वो टेस्टी फूड है एंड ओवरऑल इट्स वर्थ इट। और दोस्तों, जस्ट दो मिनट पहले मैंने आपको बताया यहाँ पे पूरा क्लाउड्स था और यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा था। अभी जस्ट दो मिनट में ये बादल पूरे हट गए हैं और आप देख सकते हो कि ये वरसगांव डैम का बैकवाटर्स फिर से दिखने लगा है। बहुत अच्छा लेक दिखने लगा है, क्लाउड्स है ऊपर है, माउंटेन्स का और हिल्स का ये व्यू भी है। बहुत अभी अच्छा व्यू यहाँ पे आ रहा है। और इस साइड में आप देखोगे तो वापस लवासा सिटी विजिबल हो गया है। लवासा के सामने वो लेक है और ये टाउनशिप वापिस दिखने लगा है। दोस्तों अभी शाम के 7:30 हो गए हैं, बाहर तूफानी बारिश चल रही है, कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम लोग रूम में ही बैठ कर मेरा फेवरेट यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, एक्सप्लोर द अनसीन 2.0। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का 7:30 हो रहा है टाइम और यहाँ रात भर पूरा बारिश हो रहा था, तूफानी बारिश यहाँ पे हो रहा था। मैंने आपको सीन दिखाया, सीन तो क्या, वो एक्चुअली जस्ट आवाज ही था, आवाज आ रहा था बारिश का काफी रात को। एंड
होल नाइट इट वॉज रेनिंग। अभी थोड़ा बहुत क्लियर है वेदर, आपको ये लवासा सिटी अभी दिख रहा होगा यहाँ से। तो दोस्तों एकांत रिसोर्ट में आने के बाद पहले इस साइड में रिसेप्शन एरिया है, और एक्चुअली पार्किंग नीचे वाले लेवल पे है। यहाँ पे रिसेप्शन एरिया है, और ये वाले जो कॉटेजेस के रो है, यहाँ से इन रोज से आपको दो व्यूज़ मिलेंगे, एक तो लवासा के सिटी का और लेक का, और वरसगांव डैम के बैकवाटर्स का। फिर इधर की जो रो है कॉटेजेस की, ये सामने वाली, यहाँ से आपको सिर्फ बैकवाटर्स का व्यू मिलेगा, क्योंकि लवासा सिटी इस तरफ है। और इन दोनों रोज के बीच में व्यंजन इनका कैफेटेरिया है, वो कैफेटेरिया एकदम कॉर्नर में है। द बेस्ट व्यू वी गेट फ्रॉम द कैफेटेरिया, सो लेट अस सी हाउ द कैफेटेरिया इज। तो दोस्तों अभी ये देखते हैं व्यंजन रेस्टोरेंट, यहाँ का ये कैफेटेरिया है, और इसका लोकेशन बहुत ही सही है। आप देखोगे पूरा ग्लास का यहाँ पे दीवारें है, एंड ये हिल टॉप के कॉर्नर पे है। तो यहाँ से व्यू बैकवाटर्स का पूरा बहुत अच्छे से मिलता है, एंड इट्स वेरी प्लीजेंट ओवर हियर। अभी बहुत ही क्लाउडी मौसम है, इसलिए वो बैकवाटर्स क्लियर दिख नहीं रहा है, लेकिन अदरवाइज यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है। इस साइड में कैफेटेरिया है, इधर एक रो है कॉटेजेस का, और इन वाले कॉटेजेस को जो व्यू है वहां पे लवासा सिटी नहीं दिखता है, लेकिन इधर बरसगांव डैम का इनको व्यू दिखेगा, और पार्किंग का व्यू दिखेगा। पार्किंग एक लेवल नीचे है, और उसके बाद बरसगांव का बैकवाटर्स है। ये बैकवाटर्स इस साइड में फैला हुआ है, और इधर राइट साइड में, और इधर उल्टे इधर वाले साइड में लवासा सिटी है। तो इधर वाले कॉटेजेस को लवासा सिटी व्यू नहीं है, हमारे कॉटेज में से लवासा सिटी का भी व्यू अच्छे से मिलता है। So this is how this resort is, it's very nice. और इस साइड में किड्स प्ले एरिया है, अभी काफी मड़ी हो गया होगा बारिश की वजह से। तो यहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर पे जो रूम्स है वो स्टैंडर्ड रूम्स है, और ऊपर वाले रूम्स एग्जीक्यूटिव रूम्स है। ऊपर वाले रूम से व्यू बहुत अच्छा मिलता है। रिसोर्ट के एकदम बाजू में यहाँ से रास्ता एक जाता है, ये छोटा सा रास्ता है ऊपर जाता है। तो यहाँ पे ये फॉरेस्ट ट्रेल है, लवासा का फॉरेस्ट ट्रेल, लेकिन अभी इतना बारिश है कि ये एक्चुअली रेन फॉरेस्ट बन गया होगा, तो अभी हम लोग यहाँ पे नहीं जा रहे, काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो दोस्तों ये रिसोर्ट है, और यहाँ से एकदम नज़दीक यहाँ पे जो सामने दिख रहा है ये रैपलिंग पॉइंट है। जब बारिश नहीं रहता है तो विंटर्स में यहाँ पे ये एडवेंचर स्पोर्ट्स किए जाते हैं, रैपलिंग, और नीचे वाटर स्पोर्ट्स है। तो अभी हम नीचे लवासा सिटी के पास आ गए हैं। लवासा लेक इस साइड में जो है, ये पूरा जो पानी है ये लवासा लेक है, और ये लवासा टाउनशिप है। और इस साइड में आप देखोगे तो इस साइड में ये पूरा वरसगांव डैम का बैकवाटर्स है, पूरे बादल ऊपर आप देख रहे हो। तो ये बैकवाटर्स इधर सामने इस साइड में, और इधर ये इस साइड में पूरा ऐसा फैला हुआ है, और नीचे आप देख सकते हो ये पूरा जो ज़मीन है ये पानी के नीचे था। समर में पूरा पानी कम हो गया है, और अभी मानसून में पूरा भर जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे फीडबैक में बताइए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।